नियम की जरूरत नहीं है, उसमें त्रुटि है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? राहुल जी ने ये कहा है कि विपक्ष की सारी पार्टियां गई थी इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने जो है मिलने से मना कर दिया, मिलने का टाइम नहीं दिया। कन्हैया जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से जो डेटा सामने आया है, सबसे ज्यादा उसमें देखा जा रहा परसेंटेज भाजपा का है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो समझने वाली बात है, यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले ईडी सीबीआई का रेड होता है, उसके बाद जो है वो कंपनी भाजपा को चंदा दे देती है, फिर उसके बाद जो है केस जो है चलना बंद हो जाता है। यही मॉडल पे तो हम लोग हमेशा से बोलते आए हैं कि भाजपा का मॉडल ये है कि ये भ्रष्टाचार को कानूनी रूप दे दिए हैं। इनका कानूनी रूप देने का तरीका ये है कि सिंपल, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। तो भाजपा को पैसा देता है, उसका धंधा चलता है, उसकी राजनीति की दुकान चलती है। जो भाजपा को चंदा नहीं देता है, उसका बिजनेस नहीं चलता है। तो ये सीधे तरीके से जो है खुली लूट है, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये एक्सटोर्शन बॉन्ड है। ये सीधे सीधे सरकार जो है वो वसूली कर रही है कंपनियों से, बिजनेस पर्सन से। और जो मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खा भी रहे हैं और उनको खिला रहे हैं जो इनको खिलाते हैं। राहुल गांधी ने आज चुनाव की घोषणा होने वाली है, लोकसभा चुनाव की, क्या कहेंगे सर? होने दीजिए घोषणा, चुनाव की घोषणा, केजरीवाल जी को बेल मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे आज? किनको मिल गई बेल? केजरीवाल जी को आज बेल मिली है ना? मिली, हाँ जी। तो जो है बेल की जरूरत ही नहीं थी, मुकदमा ही गलत है। अच्छा, बिहार में सियासी उलट पुलट खूब हो रहे, नीतीश कुमार उधर चले गए, पर कहा जा रहा है कि अब जेडीयू में भी टूट हो सकती है। अच्छा, नेता लोग अलटते पलटते रहते हैं, जनता का जो है ना सरकार पलटना अभी बाकी है।